नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज करीबन 4 से 5 के बीच डॉलीगंज में चलती स्कूटी पे लगी आग, जिसपे 2 लोग सवार थे। मौके पे उन्होंने गाड़ी को साइड खड़े करके दूर हट गए। दोनों ही यात्री सुरक्षित हैं। वहां खड़े लोगों ने बताया कि हो सकता है कि गाड़ी में बैटरी की समस्या से आग लगी हो और कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह बताई। आइए इसी विषय में वहां खड़े लोगों से जानते हैं। पूरा वीडियो खत्म हो गया। अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं डॉलीगंज के यहाँ पर। कुछ देर पहले यहाँ पर एक हादसा हुई। यहाँ पर एक चलती गाड़ी में, एक स्कूटी में, चलती गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इसमें आग लग गई। आपने अभी व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में देखा होगा, ये न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही थी। और इस वक्त हम घटना स्थल पर पहुँचे हैं। ये हम दिखाते हैं आपको, स्कूटी पूरी तरह जल चुकी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए। महिंद्रा का स्कूटी थी ये। महिंद्रा टू व्हीलर। आप देखिए स्कूटी का क्या हाल हो चुका है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए स्कूटी का क्या हाल हो चुका है। टायर पूरी तरह से जल चुका है। टायर पीछे वाली टायर और आगे वाली भी। ऐसी यहाँ पर आग लगी तो लोगों ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस प्रशासन और साथ में फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पर पहुंचकर जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिए। बट उसका पहले ही बहुत ही आग लग चुका था। गाड़ी जो कि बुरी तरह जल चुकी थी। तो आइए इसी विषय में हम लोग जो यहाँ पर थे हम उनसे कुछ बात करते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम साई है। बताइए। ऑटो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जी। हम लोग सब इधर में अपना से आग लग रहा था जी, धुआं उड़ रहा था जी। तो हम सब जंक्शन में बैठे थे, हम लोग लेबर, हम लोग ऑटो जंक्शन वाले सब बैठे थे जी। तो अचानक में हम लोग क्या हुआ, क्या धुआं उड़ रहा है करके हम लोग आगे आके देखे तो देखते तो अपना से स्कूटी जल रहा था। तो हम लोग क्या जल रहा है करके हम लोग सब भाग गाड़ी जो कि गाड़ी आके रनिंग था ना सर? सर रनिंग था वो नहीं था, हम लोग को उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन अपने आप से आगे खड़ा था, आगे जल रहा था। मतलब आपका ये कहना है कि खड़ी गाड़ी में आग लगी? वो हम लोग कंफर्म नहीं है सर। बस हम लोग को एक धुआं उड़ा, हम लोग को डाउट लगा कहाँ से। हम लोग सोचा कि अंदर में काम चल रहा है, हम लोग एयरपोर्ट के अंदर में काम चल रहा था। तो हम लोग सोचा कि एयरपोर्ट के अंदर से कुछ काम चल रहा था, वहाँ से धुआं उड़ा। लेकिन कुछ आदमी ऐसे पुकार हुआ कि सर वहाँ में स्कूटी चल रहा है बोले। फिर हम लोग जंक्शन वाले, हम लोग यूनियन का प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट है, हम भी एक्स में ही हैं। तो हम लोग एक्स प्रेसिडेंट, हम लोग यूनियन के सब थे। हम लोग सब क्या करें उठे में, फिर भाग भाग के आए, क्या हुआ है करके हम लोग देखने आए तो अचानक में इस तरह स्कूटी जल रहा था। फिर हम लोग फटाफट भाग के आए, हम लोग यूनियन वाले सब मिलकर क्या करें कि ट्रैफिक को हम लोग रोके कि सर कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, क्यों पेट्रोल है, कुछ भी है। हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। हम लोग क्या डर का मारे क्या करें कि हम लोग रोक के रखे थे, पूरा ट्रैफिक हम लोग रोके। इतना में क्या करें, एक 5 मिनट के अंदर में, लेकिन 5-10 मिनट हो गया ना, ये 5-10 मिनट के अंदर में पूरा हम लोग का होटल में फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया। यहाँ छोटा गाड़ी भी वो तरफ से आए का आया, बड़ा गाड़ी इस तरफ से आया, क्योंकि हम लोग यहाँ में ट्रैफिक क्लियर करके रखा था, इसीलिए आने का मौका मिल गया उनको। ये वन वे में उस लोग डायरेक्ट आया, फटाफट आया, जो आगे बुझाया, उसके बाद हम लोग ट्रैफिक क्लियर करा। उसके बाद पुलिस वाले सब आए कि सर आपको ट्रैफिक क्लियर करना है, आप लोग सब काली करिए,
गाड़ी इधर तो आग तो बुझ गया है, आप लोग सब खाली करिए करके बोल के सब पूरा ट्रैफिक क्लियर कर दिया सर। इतना तक ही हम लोग जानते हैं, इतना तक ही हुआ है सर। सर आप बताइए। सर गाड़ी का नंबर तो हम लोग नहीं देखा सर, दो जन आते थे, दो जन आया करके हम लोग पता है जी, दो जन कौन है हम लोग नहीं पता सर। जैसा गाड़ी जलता है हम लोग को धुआं देख के आया सर, अब वो दो जन कौन है नहीं मालूम है, किसका गाड़ी वो भी नहीं पता है। आगे धुआं देख के फिर हम लोग क्या सब मिल के वहाँ से यूनियन, मतलब हम लोग जो टॉपिक है जितना हम लोग यूनियन मतलब लीडर जो मतलब जो ऑटो यूनियन से हम लोग आके देखा तो तब तक जलते है सर, पूरा धुआं उड़ता है। हम लोग देखा तो देख के तब हम लोग ट्रैफिक थोड़ा, तो आप लोगों ने पुलिस और ट्रैफिक को आप लोग सॉरी पुलिस और फायर ब्रिगेड वालों को आप लोगों ने कॉल की? नहीं सर, हम लोग से पहले कोई कर दिया सर। जी जी हम लोग नहीं किया सर, हम लोग से पहले कोई कर दिया। हम लोग आते आते तब हम लोग यहाँ पहुँचा, पहुँच कर पूरा जल रहे हैं तब तक फायर ब्रिगेड भी पहुँच गया। हम लोग नहीं किया सर, उससे पहले जलते ही है, जब धुआं देख के हम लोग आया सर। इतनी है सर मैटर। अब गाड़ी का नंबर भी देखा नहीं, गाड़ी में कौन था वो भी नहीं देखा सर। तो अब आपने देखा, हमने यहाँ के जो लोग थे हम उनसे बात करे तो उन्होंने बताया कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और इसमें आग लग गई थी। तो ये बहुत जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बट इस प्रशासन और फायर ब्रिगेड वालों ने आके गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी बट जाके बुझा दिया, और ये बहुत ही एक सराहनीय काम है उनकी तरफ से। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।